और यू वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप एक स्ट्रॉबेरी के जो प्लांट है उससे ढेर सारे स्ट्रॉबेरी के बेबी प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट जो होते हैं वो गर्मियों में फ्रूट देना बंद कर देते हैं, और जब बारिश इनका ऊपर पड़ती है तो यह इनमें से ढेर सारे ऐसे रनर्स निकलना शुरू हो जाती है। और जब ये रनर्स थोड़ा बड़ी हो जाए तब आपको इससे ढेर सारे बेबी प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के रनर्स का जो ये वाला साइड होता है यहाँ से निकलती है ढेर सारे जड़। जब हम इनको मिट्टी के साथ अटैच कर देंगे तब तो आपको चाहिए एक छोटा सा पॉट। इसमें मैंने लिया है गोबर खाद, सैंड और गार्डन सॉइल। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक छोटे से पॉट में ले लिया है। आप चाहे तो कोई भी प्लास्टिक का कप या फिर चाय का जो कप होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो और आपको एक और चीज़ चाहिए, ये है स्टिक। अगर आपके पास ऐसे स्टिक नहीं है तो आप किसी भी टूथपिक या फिर हेयर क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि स्टिक को ऐसे बीच में से तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि स्ट्रॉबेरी के जो रनर्स है उसको स्टिक से अच्छे से मिट्टी के साथ ऐसे, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे अच्छे से मिट्टी के साथ ऐसे अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना करेंगे हम, और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद इसमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, और फिर हम इसको जो है मदर प्लांट से कट के अलग कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ और प्लांट्स जो है ऐसे तैयार कर लिया था पहले ही, ये देखिए।